गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड टुडे इज़ योर फोर्थ क्लास ऑफ मोरल साइंस। टुडे इज़ योर फोर्थ क्लास ऑफ मोरल साइंस एंड द चैप्टर नेम इज़ गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। मतलब भगवान सभी जगह हैं। भगवान कैसे हैं? भगवान सभी जगह हैं। डू यू रिमेम्बर दैट कि जब आप स्कूल आते हैं तो सबसे पहले आप स्कूल में आने के बाद क्या करते हैं? सबसे पहले स्कूल में आने के बाद आप प्रेयर करते हैं। प्रेयर टू योर गॉड टू गिव द ग्रेट वेल्थ, हेल्थ एंड नॉलेज। जैसे ही आप स्कूल में आते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। किससे? अपने भगवान से, कि वो आपको वेल्थ दें, अच्छी हेल्थ दें और नॉलेज दें, जिसके लिए आप सब स्कूल में आते हैं। कभी कभी ये सोचते होंगे आप लोग कि हु मेड द अर्थ, हु मेड द माउंटेन्स, रिवर, मून, स्काई, हु made all these things. So God is the creator of the all beautiful things. तो भगवान जो हैं वो इन सभी खूबसूरत चीज़ों के creator हैं. Let us read a story. Let us read the given story to know that God is present everywhere. Here the story start. Rama was disciple of Swami Satkopa. He was the most intelligent among the all disciples. He always listened carefully to the whole sermon taught by Swamiji. So this is the story about the Rama, which is the disciple of Swami Satkopa. ये स्टोरी जो है वो रामा के बारे में है, जो कि स्वामी सतकोपा का शिष्य हुआ करता था। ठीक है, ही ऑलवेज लिसन केयरफुली द सर्मन्स टॉट बाय स्वामी जी, और वो उन सभी टीचिंग्स को, उन सभी उपदेशों को बहुत अच्छी तरह सुनता था जो गुरु जी समझाते थे। वन डे स्वामी जी थॉट द टेस्टिंग ऑफ हिज डिसिपाइल, ही बॉट सम पैरेट इन केज, he called up all the disciples including Rama in the pathshala. तो एक दिन गुरु जी के मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, जितने भी हमारे अनुयायी हैं, जिनको हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, इन सबका टेस्ट लिया जाए कि इज द लर्निंग समथिंग और नॉट। तो उन्होंने क्या किया कि वो कुछ तोते लेके आए और उन्होंने अपने सभी जून के डिसिपाइल थे उन सबको बुलाया, इंक्लूडिंग रामा, रामा को भी बुलाया। व्हेन ऑल द डिसिपाइल्स गैदर्ड इन पाठशाला, स्वामी जी कम देयर विद द केज ऑफ पैरेट एंड सेड, टुडे आई वांट टू टेस्ट यू ऑल, आई वांट टू सी द इम्पैक्ट ऑफ माय टीचिंग ऑन योर हार्ट एंड माइंड। तो गुरुजी ने जैसे ही सबको बुलाया और उसके बाद गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी केम देयर विद द केज ऑफ पैरेट। तो गुरुजी वहाँ पर केज ऑफ पैरेट के साथ आए और उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी जो शिक्षा है इसने तुम्हारे मन पे और दिमाग पे क्या प्रभाव डाला है। रामा रिप्लाइड पोलाइटली, रामा रिप्लाइड पोलाइटली, श्योर स्वामी जी, इट इज़ अवर गुड लक, वेल गेट अ चांस ऑफ शोइंग अवर कैलिवर दैट हैज़ बीन बिल्ट बाय योर सर्मन्स। तो जैसे ही गुरु जी ने पूछा, कहा कि मैं तुम लोगों की परीक्षा लेना चाहता हूँ, तो रामा ने भी पोलाइटली आंसर कर दिया कि ये तो हमारी सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हम अपना कैलिवर आपको दिखा पाएँ, जो आपकी शिक्षाओं के द्वारा हम में आया है, आपकी शिक्षाओं से जो कैलिबर हम में आया है वो हम आपको दिखा पाए।
Swamiji then told them to take the cage and set the parrot free at a palace where no one would see them. Everyone was surprised to hear the condition. Swamiji told them to take the cage and set the parrot free at a place where no one would see them. तो गुरुजी ने कहा कि ये केज ले जाओ और इन तोतों को किसी ऐसी जगह छोड़ो जहाँ इन्हें कोई ना देखे. Everyone was surprised to hear the condition. हर एक इंसान सरप्राइज हो गया ये कंडीशन सुन के. Then स्वामी जी said, go into the deep forest or the mountains. Maybe no one will see you while you are setting the parrot free. तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो कि इन तोते की केज को ले जाओ और कहीं ऐसी जगह ले जाके इनको छोड़ो कि जहाँ इनको कोई भी ना देखे. चाहे आप माउंटेन्स पे जाओ, चाहे आप डीप फॉरेस्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, बस कोई देखे ना. ऑल देम टुक देयर केजेस एंड स्टार्टेड ऑफ ऑन देयर जर्नी. सभी ने अपना अपना केज उठाया और अपनी अपनी जर्नी के लिए निकल गए कोई ऐसी जगह ढूंढने जहाँ इन्हें कोई ना देखे. All the disciples set the parrot free in lonely palace and returned with empty cage. Expect Rama. He returned very late, and moreover, his parrot was also in cage. तो बाकी के जितने भी विद्यार्थी थे, अनुयायी थे, वो सब खाली केज के साथ, खाली पिंजड़े के साथ लौट के आए. लेकिन रामा काफ़ी देर बाद लौट के आया, और आया भी तो कैसे, उसके केज में पैरट्स थे. When स्वामी जी saw him, When Swamiji saw him with the parrot, he asked Rama, you have not freed your parrot. Did you get a lonely palace to set him free? Guruji ने पूछा, रामा तुमने तोतों को छोड़ा नहीं, इनको उड़ाया नहीं, क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ कोई ना देख रहा हो? स्वामी जी, आई वेंट टू द डीप फॉरेस्ट नियर द माउंटेन्स इन लोनली गार्डन्स बट आई डिडेंट फाइंड एनी प्लेस वेयर नो वन वुड बी वॉचिंग मी. आई ऑलवेज फेल्ट द आईज ऑन समवन वॉचिंग एवरी एक्शन ऑफ माइंड. उसके बाद क्या रिप्लाई दिया रामा ने? रामा ने कहा कि गुरु जी, मैं डीप फॉरेस्ट में भी गया, मैं माउंटेन के पास भी गया, मैं गार्डन्स में भी गया, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ मुझे कोई देख ना रहा हो. मुझे हमेशा ऐसा फील हुआ, द आईज ऑफ समवन वॉचिंग एवरी एक्शन ऑफ माइंड, कि किसी कोई है जो मुझे हर समय देख रहा है. मुझे हमेशा ऐसा फील हुआ, गॉड वॉज प्रेजेंट एवरीवेयर टू वॉच मी, सो आई कुड नॉट सेट द पैरट फ्री, सेड रामा पोलाइटली. रामा ने पोलाइटली आंसर किया कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझे हमेशा और हर जगह देख रहे हैं, इसीलिए मुझे कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहाँ मैं अकेला हूँ और इन पक्षियों को छोड़ पाऊँ. स्वामी जी स्माइल्ड टू हियर हिज वर्ड एंड सेड, रामा आई एम प्राउड ऑफ यू. ओनली यू हैव अंडरस्टूड माई सेरेमनीज. देर इज़ नो प्लेस वेयर गॉड कैन नॉट वॉच अस. गॉड इज watching us at every moment and also judging our act as good or bad. गुरु जी ने क्या कहा? गुरु जी रामा की बात सुन के बहुत खुश हुए कि रामा ने कहा कि मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, और गुरु जी बहुत खुश हुए इस बात को सुन के और रामा को शाबाशी दी कि सिर्फ तुम ही हो जिसने मेरे उपदेशों का सही मतलब समझा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान हमें नहीं देख रहे हों. देर इज़ नो प्लेस वेयर गॉड कैन नॉट वॉच अस. गॉड इज़ वॉचिंग अस एट एवरी मोमेंट. भगवान हमें एक एक क्षण, एक एक पल देख रहे हैं, एंड एवरी मोमेंट, एंड ऑल्सो जजिंग अवर एक्ट एज गुड और बैड. और ना सिर्फ हमें एक एक क्षण देख रहे हैं, बल्कि हमारे जितने भी कर्म हैं उनको अच्छे, जितने भी एक्ट हैं उनको अच्छे और बुरे में काउंट भी कर रहे हैं. सो इसलिए ऑलवेज बी अवेयर, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट एंड ऑल द टाइम हिज आईज इज वॉचिंग अस.
और कहीं भी हूँ, किसी भी परिस्थिति में हूँ, भगवान हमें हमेशा देख रहे हैं। और बचपन में हम सब ने हिरण्यकश्यप की कहानी सुनी होगी कि भगवान हर जगह है, जहाँ आप चाहते हैं, याद करते हैं, भगवान हर उस जगह है। सो थैंक यू क्लास, दिस इज़ द मोरल ऑफ द लेसन कि गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। थैंक यू क्लास।